यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। बात कह रहे हैं कि मैंने अपनी जो घोषणा की है या तो वो पूरी होगी और या उन पे काम चल रहा है। 3200 कहा मैंने, अभी 350 दिन बाकी है। आपने 3200 कहा, मैंने 3200 मान लिया। हाँ। आप जो 3200 घोषणाएं आपने करी है आपके पास उसका रिकॉर्ड है सरकार। पूरा तो सरकार के पास है ना, आप उसको मंडे को ही ले लो, मंडे को पटल पे रख लो। नहीं, मेरा कहना कोई भी ले ले। नहीं, नहीं, आप मंडल को पटल पे रख लो, कोई ले ले, विधानसभा अनुसार रख सकते हैं। आप उसको मंडे को पटल पे रख दो, रख देंगे, रख, ताकि हम आपसे ये बता सके कि आपने जो 3200 की बात करी है उनमें से कितने पे काम चल रहा है। हाँ हाँ, बता देंगे, बात पे चर्चा तो होना, फिर कम से बता देंगे। बता, बैठिए बैठिए, आप नहीं बोल सकते। ठीक, बैठिए 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 बैठिए। अरे 2900 है, 2900 तो मान रहे हैं ना ये, मानो अगर 3200 नहीं तो 2900 मान रहे हैं ये। अरे भाई नीचे बैठिए। मेरा कहना है कि अगर थोड़ा सा हर घटना को राजनीतिक रंगत देने की बजाय अगर मर्यादाओं को कायम रखें तो बहुत अच्छा लगता है। किसी भी बात में मुझे राजनीति करनी है उसको जनता समझती है, समझदार होगी जनता खूब। मैं एक छोटा उदाहरण देता हूँ, अभी 5 मार्च का ही, 5 मार्च को गवर्नर साहब ने अपना अभिभाषण पढ़ा। अब एक परंपरा है कि कोई डॉक्यूमेंट बड़ा होता है, लंबा होता है, तो उसमें सामान्यतः बहुत से कागज हमारे पास टेबल पर आते हैं और ये कई क्वेश्चंस में भी हमारे उत्तर लिखा होता है कि द पेपर्स हैव बीन लेड ऑन द टेबल। अब चाहिए तो सभी पढ़ने से सब पढ़ सकते हैं, सभी पढ़ने में कितना कितना समय लगेगा। अब उनको एक सुविधा इस नाते से, आज पहली बार किया गवर्नर साहब ने, ऐसा नहीं है, कई प्रदेशों में गवर्नर, हमारे अपने प्रदेश में पिछले गवर्नर साहब उठा के देख लीजिए कि जितना पढ़ना पढ़ते हैं, बाकी कहते हैं इसको पढ़ा मान लिया जाए और अंत में एक पैराव पढ़ते हैं, उसी को विषय बना दिया। और क्या विषय बनाया कि सरकार के पास तो कहने लायक कुछ था नहीं, वो पढ़ते पढ़ते उन्होंने देखा ये तो शायद इसमें कुछ आगे नया कुछ है नहीं, इसलिए अधूरा छोड़ के चले गए। ये गवर्नर की भाषण के प्रति मैं कहूँगा अपमान, ये अच्छा विषय नहीं। हम ही जो बात मैं कह रहा हूँ आप कह देते उस समय कि एक परंपरा है, उस परंपरा में गवर्नर साहब ने अगर ऐसा किया तो उसमें कोई आपत्ति नहीं, उसमें भी राजनीति ढूंढ नहीं ढूंढा नहीं, ये हुआ। मेरा एक अपना मत है, मेरा मत है, मैंने बता दिया, आपने कहना था वो कह लिया, वो तो सारे कर, मैं कह रहा हूँ जवाब दे लिया, तो मेरा मत है, मैंने बता दिया, उत्तर में मत है मेरा, अब बदल थोड़ी सकते हैं इसको। मैं तो कह रहा हूँ आपका ये वाला आप नहीं है, हाँ और भी है जी, और बहुत सी बातें। अभय जी देखिए, अभय जी आप जो कहेंगे वो बिल्कुल अंडरलाइन सोने की लकीर है और वही बिल्कुल तथ्य है। इस बात को दिखा नहीं हो सकता, आप माने ना मत, आपने अपनी बात कहनी, हमने अपनी बात कहनी, आपने अपनी बात कहनी, एक सदन के नेता के नाते से मुझे आप लोगों ने अधिकार दिया हुआ बाद में ऊपर उत्तर देने का, मैं उत्तर देता हूँ। उत्तर नहीं नहीं नहीं, उत्तर देने के बाद आप उसको, मैं क्या कह रहा हूँ, उत्तर देने के बाद आप उसको माने न माने ये आपकी मर्जी है, लेकिन जो उत्तर मुझे देना वो देना है। निर्णय करने वाली जनता है, जनता को दिखाने वाले ये हमारे मित्र, सैकड़ों मित्र बैठे हैं, ये सैकड़ों मित्र जनता को बताएंगे, दिखाएंगे कि ये तो उसका प्रश्न था हमारे विधायक महोदय का या नेता प्रतिपक्ष का, और ये नेता सदन का उत्तर था। अब उत्तर ठीक है कि प्रश्न ठीक है गलत है, ये निर्णय हमको आपको नहीं करना, अगर कोई बीच में इस प्रकार कंट्रोल, और ये आएगा ही, आप कुछ कहेंगे हम कुछ कहेंगे, ये सत्ता पक्ष और विपक्ष का ये रहने ही वाला है। लेकिन आपको अभ्यास बनाना चाहिए कि एक बार जो बात आपने पूछ ली है या आपने कोई आरोप लगा दिया है या आपने आलोचना कर दी है तो उत्तर आपको सुनना ही चाहिए, ये अभ्यास एक अच्छे सदन का बनना चाहिए।